और मोदी जी की तानाशाही, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हिटलरशाही की तो जवाब देवा के लिए दिल्ली से मोदी जी ने हटावा के लिए इंडिया गठबंधन बने है। 10 साल में एक काम नहीं, केवल मोदी 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 कांग्रेस मोदी को नौकरी दी के, किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कोई नवाचार करोगे, विदेश नीति ठीक करेंगे, आर्थिक नीति ठीक करेंगे, महंगाई कम करेंगे, तो कहीं गिर फिर और छोटा भाषण दे क्या। आरएसएस की एक नीति है और भी नीति के ऊपर मोदी जी की सरकार चल रही है और तीनों से राजस्थान की सरकार भी चल रही है। वह नीति है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और तब तक बोलो जब तक वो झूठ सच नहीं लगने लग जाए, तब तक बोलो। लेकिन मोदी जी आज झूठ की गोली गिरता होते वादा की गोली गिरता 10 साल होगा माने, एक देले को काम नहीं करो। आज आपने यहां से अति संख्या के मायने 36 कौम का लोग उम्मेदाराम जी कांग्रेस के प्रत्याशी ने आशीर्वाद देवा के लिए आया है। आज की बाड़मेर की रैली मोदी जी की नींद गायब कर देगी, रात में मोदी जी ने नहीं देगी। तीन महीना के मायने 25 सरकार वाला मुख्यमंत्री जी क्यों करोगे करोगे? मुख्यमंत्री के बढ़िया बजनलाल जी फेरो है क्या थाने? भाई पिक्चर देखी के अली बाबा 40 चोर ठीक है मायने एक दिन बोले खुल जा सिम सिम, जरा वो गेट खुल जाए मैं चोर माए बढ़ जाए। और बिया की बिया वसुंधरा जी के हाथ में राजनाथ सिंह जी एक पर्ची थी और वह पर्ची खुली, अरे एक मुख्यमंत्री जी निकलिया, बाप को नाम भजनलाल शर्मा जी है, बाप को काम और बता दू 90 दिन से के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी केवल 3 काम कर रहे हैं, सुबह भ्रमण के लिए निकलेगा, भाषण ठोकेगा झूठ को और लोगों ने भ्रमित करवा को काम करेगा। क्या मुख्यमंत्री जी है भ्रमण का मुख्यमंत्री, भाषण का मुख्यमंत्री और लोगों ने भ्रमित करवा का मुख्यमंत्री है। इसके अलावा भाई जी काल कृष्ण सुनी ये सुनी कि नहीं सुनी मैं बता दूं ताने, आईएएस की लिस्ट आई, आरएएस की लिस्ट आई, मुख्यमंत्री जी धारे फिर जोधपुर का नहीं आएगा भजनलाल जी बापो पीए सर्किट हाउस में माने बोलियो क्या मुख्यमंत्री जी अपना मुख्य सचिव जी लिस्ट काट दी, आईएएस की लिस्ट आई है, आरएएस की लिस्ट आई है, जना भजनलाल जी भी पीए ने कहे भैया देख अपने वाले हुए एक नहीं अपने वाले, तो फिर मुख्यमंत्री क्या बनिया? देखो काम पहले करता वो करबो करता। एक आपने एक बहुत ही नायाब हीरो है बीजेपी में आरएसएस को, दिलावर जी शिक्षा मंत्री बनाया बीजेपी वाला, नाम सुने ने? मैं आपका शिक्षा मंत्री है ईवीएम में मां के खिलाफ तो कोई बात को नहीं करूं क्योंकि शिक्षा मंत्री है मैं भी पहले शिक्षा मंत्री रही हो, लेकिन एक बयान दिया काल जोरा क्या गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जी जेल जासी, हाँ जेल तो जासी पर दिलावर जी थे जेल में उछड़ा था मिलवा जासी। मैं वहां के खिलाफ तो कोनी को, लेकिन एक जना को फोन आयो भाई जी आराम से सुन जो, एक जना को सुबह फोन आयो वो अखबार पटर मैंने फोन करो बोले भाई जी एक किस्सो याद है मैं बता दूंगे डोटासरा जी मुझे बता दे, जना को बोलो एक अंग्रेज हो तो एक गांव के मायने आए गो
गांव के मायने एक गोतो है नहीं गोतो गोतो जानो ने देखो की काम को नहीं आवे भाई के जलीमेड़ो है लेकिन काम की नहीं आ सके तो वो गोतो हो वो अंग्रेज बोलो मेरे ध्यान के ने बोली डोटासरा जी व्हाट इज दिस डोटासरा जी बोलिया दिस इज गोता बोलो गोता क्या होता है मैं क्यों भैया सुन मेरी बात है जब को वो तो गाय के तो जन्म ले लेकिन न तो वो हड़बा सके न वो कोई और कोई काम आ सके और बिगड़ेड़ो फिर वो करे गांव के मायने कड़ा कोई पहाड़ के नीचे मुंगो मार ले कड़ा कोई की सिर में दांग खा ले कहते कोई पीठ पर खा ले तो बोले ये करता क्या है मैं जरा डोटासरा जी बतायो करे कहीं है मैं बतायो ना थाने जको गांव की बस्ती के कन्ने जगह छोटा मोटा बाड़िया हुए ने बाड़िया के कन्ने बाढ़ के नीचे नीचे थोड़ो तो भोजन कर ले फिर गांव में आज कोई के घर बड़वा लागे खेत में बड़वा लागे डांकी खा ले तो बोले भाई जी ए गोता जका है ए के काम करे मैं क्यों भाई ए गोता कुल्डी के ऊपर सींगा ना आपके सिर में रगड़े और कोई को काम बिगाड़वा को काम करे बाकी जिले कोई काम को नहीं करे कि मेरी बात ने कदे ही आपने शिक्षा मंत्री दिलावर जी पर मत ले लीजो कदे ही मत ले लीजो मैं अपना शिक्षा मंत्री है बात कैसे इस कहानी को इस किस्से को कोई लेन देन नहीं है है मैंने बोली मेरे मैं तो मेरे शिक्षा मंत्री के खिलाफ की नहीं बोलू पर मिस्टर दिलावर साहब आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो मैं किसान का बेटा हूं मैं एक अध्यापक का बेटा हूं मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे घूमते रहेंगे गोविंद डोटासरा के कोई आपने एमपी साहब दिल्ली के रेल है बाड़मेर आएगा मानक के जो फार्म मत उठा लीजियो चुनाव लड़नू है और बाड़मेर के मायने चुनाव लड़ो जना के जो कि मोदी जी 10 साल में काई करो और एमपी साहब ये मंत्री बनकर काई करो आप बात बता दियो आज युवा के सपना के सागे आप बेरोजगारों के सागे केवल छल करवा को काम करो है केवल झूठ बोलवा को काम करो है ईडी इनकम टैक्स से डरावा को काम करवा को काम कर रहे हो और आप 400 बार ही लिए चाहे कि वो आरक्षण खत्म करना है संविधान में खत्म करना है आने 400 ही लिए चाहे आज तो गहलोत साहब वो मैदान छोटो पड़ गए स्टेडियम बाड़मेर के मायने उम्मेदवार राम जी जीत गो और सामने का मोरिया पुल मोरिया बुलाओ ना के बुलाओ ना के मैं तो आया मैं एक बार तोड़ कर जाऊं आप पूरी कांग्रेस एक जुड़ता के साथ में बाड़मेर के मायने थाके कामी कोई देख लेने बीजेपी को और आरएसएस को आदमी तो गोविंद डोटासरा अशोक गहलोत और तमाम नेता थाके बीच में आर पूछ जाएगा कामी को नहीं देख पाएंगे आरएसएस और बीजेपी ने चिंता करवा की आवश्यकता को नहीं है और यहाँ को सज्जन उम्मीदवार दिए और सगड़ा सहमति से दिए टोटल बाड़मेर का नेता प्रदेश का नेता
पार्टी आला कमान सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, तमाम लोग मिले और उम्मीदवार बेनीवाल ने कांग्रेस को प्रत्याशी बनाया है। इन जीतावा की जिम्मेदारी पार्टी है। आई सत्ता के साथ में ज्यादा बात करवा की दरकार बोली भाई जी, अब कल है कट को काट दो बीजेपी को। कोई निर्दलीय उम्मीदवार है ने मान लो बीजेपी की माँ है, वहां बीजेपी की माँ इन्हें कदई निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस को कदई नहीं हो सके। वे बीजेपी का लोग है, अलग अलग देश के मायन आवे थाने ठगवा की चेष्टा करेला। सावचेत रह जो, जागता रह जो, फुड़को कर जो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।